अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। मैं हूँ आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये अक्सर लेडीज़ घर में बहुत बनाती हैं। भिंडी आपने अक्सर नाम सुना होगा या देखा होगा कहीं पर, सब लोग ही बनाते हैं भिंडी, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं उनसे सही नहीं बनती या काली हो जाती है। हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल से, लेकिन ऐसे तरीके से बनाएंगे कि ताकि उसका कलर भी ख़राब ना हो और ज़बरदस्त बने, टेस्टी हो। तो चले हम बनाते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चले हम शुरू करते हैं, बनाते हैं भिंडी। आप मेरे साथ चलिए देखिए कैसे बनती है भिंडी। बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार हैं वो हम आपको बता देते हैं, और ये हमारे पास क्वांटिटी जो है सबसे ज़्यादा है तो हम आपको बता देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 1 किलो की क्वांटिटी जो होगी वो लिख के दे दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले धनिया कूटा हुआ, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कटर मिर्च, और उसके बाद साबुत ज़ीरा है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हल्दी है, और हल्दी के बाद हमारे पास यहाँ पे है सॉल्ट, सॉल्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे है ऑनियन। ऑनियन आप देख लें किस तरीके से कटा हुआ है, छोटा छोटा बारीक है, क्यूब जैसे होते हैं, हल्का से छोटे से इस टाइप का हमने काटा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है टमाटर, टमाटर भी हमने सेम ही काटे हुए हैं, जैसे मैंने प्याज काटा हुआ है वैसे ही टमाटर काटा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्ची है कटी हुई बारीक या मोटी, जैसे भी आप पे डिपेंड करता है काट लें। और उसके बाद हमारे पास ऑयल है, और ये है, ये भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा कितना होगा। और उसके बाद लास्ट हमारे पास यहाँ पे भिंडी है जो हमने धो के काट के रख ली है, ज़्यादा थी तो काटते हुए दिखा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। ये देखें इस तरीके से हमने काटी हुई है इसको क्यूब में, और इसको चले हम शुरू करते हैं और आपको बताएंगे भी सही इसकी लेस कैसे ख़त्म होगी। तो चले शुरू करते हैं, और ये हमारा बर्तन, और इसमें हम डालेंगे ऑयल सबसे पहले। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और उसके बाद हम इसको सौते करेंगे। हमने इसको सौता थोड़े से सौते करने हैं, ज़्यादा इसको फ्राई या ब्राउन नहीं करना हमने। जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी सौते होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे भिंडी, और भिंडी डालने के बाद इसको फिर हम सौते करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ये जो हमारी हल्दी थी, हल्दी सब हम इसमें डाल देंगे, और फिर और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं हो जाती, इसके अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती। हल्दी हमने इसीलिए डाली ताकि इसका जो कलर है वो बरकरार रहे, ग्रीन रहे, ख़राब ना हो, ब्राउन ना हो, काला ना हो, तो इसका कलर ग्रीन ही रहेगा। और इसके साथ ही हमारी जो यहाँ पे हरी मिर्ची है, ग्रीन चिली, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसकी भुनाई करते जाएंगे हम कंटिन्यू। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसमें लेस है, ये देखें, तो ये लेस जो होगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसकी जो है, अभी ये ज़्यादा होती जा रही है, परेशान ना हो, क्योंकि ये भुनाई करते जाएंगे तो पहले ज़्यादा होगी, और फिर स्लो स्लो जब भुनाई करते ही जाएंगे स्लो में तो फिर ये कम होती जाएगी। ये देखें यहाँ पर कुछ होते हैं कहते हैं कि हमने आपको दिखाया नहीं सही तरीके से, फर्स्ट टाइम दिखा दिया, लास्ट में नहीं दिखाया कि इसकी ख़त्म हो गई है लेस। तो ये देखें मैं आपको दिखा दूं, हम भुने करती जाएंगे कंटिन्यू तो इसकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देखें मैं आपको दिखा दूं इसकी जो लेस है ख़त्म हो चुकी है, और उसका कलर देख ले बरकरार है और ग्रीन है, ठीक है। अभी हम इसमें हमारे जो मसाले हैं ये हम इसमें डाल देते हैं, सॉल्ट और कूटा धनिया, उसके बाद यहाँ पे ज़ीरा, ज़ीरे के बाद यहाँ पे कटर मिर्च, और लास्ट में हमारे पास ये जो टमाटर हैं सब हम इसमें डाल देंगे जितने भी हैं, और एक बार थोड़ा सा हल्का सा इसको फिर हम मिक्स करेंगे,
और जैसे ही हमने मसाले डाले हैं इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है, और ज़बरदस्त आपने कंटिन्यू भुनाई करनी है इसकी, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही भुनाई करते जाना है। और दो मिनट के बाद यहाँ पे हमारी भिंडी जो रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूँ, ज़बरदस्त कलर आया है, ग्रीन ग्रीन है, काली नहीं हुई। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखें ये हमारी कितनी भिंडी खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़र आ रही है आपको, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला बनी हुई है। आप बनाएं, ट्राई कीजिए, जब तक के लिए ओके, अल्लाह।